तो हेलो गाइस, आप सभी ने पबजी के बारे में सुना है, जो इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है बैटल रॉयल का, और वो अपने अच्छे और बुरे कामों के लिए फेमस भी हो चुका है। तो आज हम इसे रहने देते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना। तो हम उस बारे में बात करते हैं जो आप नहीं जानते हो। तो पबजी की जो फेवरेट गन को आप जानते हो कार 98K के नाम से, जिसका असली नाम है कार्बेनाइर 98 क्रूज़, जिसको जर्मन आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बनाया था। लेकिन इसका जो रियल गन है, इसका यूज़ हुआ था 48 मिलियन गन्स को यूज़ किया था इन्होंने आर्मी के लिए। होप है ये आप नहीं जानते होगे। और जो पबजी के क्रिएटर का नाम तो आपने सुना होगा, ब्रेंडन ग्रीन। हाँ, तो पबजी का जो मोस्ट पॉपुलर मैप है इरेंगल, उसको भी इसी नाम पर रखा गया, इसकी बेटी के नाम पर, जिसका नाम था इरीन प्लस एंजल। तो इरीन प्लस एंजल से बना इरेंगल, इसका नाम आपको पता चल गया होगा। और इरेंगल की जो स्ट्रक्चर है वो सोवियत यूनियन से आई थी 1950s के टाइम की। तो पबजी से आपने देखा होगा पबजी का थॉट कैसे आया, तो ये हंगर नाम के गेम से आया, और इसमें जो कॉपीराइट का इन्फ्रेंजमेंट ना आ जाए इसीलिए इसके अंदर से कुछ चेंजेस कर दिए, ताकि जो इसकी लूट है उसको जो सेंट्रली अलाइन नहीं करके अलग अलग जगह अलाइन किया गया। अगर इसे सेंट्रली अलाइन कर देते तो फिर इस पे कॉपीराइट आ सकता था, जो कि हंगर गेम में होता है। और जो ब्लू सर्कल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो सर्कल हुआ था, लेकिन वो असली के अंदर एक स्क्वायर होने वाला था, लेकिन जिसमें उन्होंने जो ब्रेंडन थे उन्होंने चेंजेस कर दिए और ये सर्कल में बना दिया। और पबजी खेलने के मैच के बाद आप बीपी के बारे में सुना होगा, तो बीपी को कहते हैं बैटल पॉइंट्स, जानते होगे आप। और जो मैप्स के बारे में एक जो मिथ बना हुआ है, जो जिसके बारे इफेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, तो पबजी पीसी और पबजी मोबाइल के अंदर एक मैप के लिए इशू है, जिसके अंदर अगर आपको फुटप्रिंट्स लेने होते हैं तो पबजी मोबाइल के अंदर तो आपको फुटप्रिंट्स इजीली आ जाते हैं, लेकिन जो पबजी पीसी है उसके अंदर आपको डायरेक्टली हेडफोन लगा के और सुनना पड़ता है कि राइट से बंदा आ रहा है या लेफ्ट से। और इसीलिए जो मीरामार है उसके अंदर आपको शूज़ पहनना ज़रूरी हो जाता है, और इरेंगल के अंदर विदाउट शूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये मत कहना कि आप सॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, तो सॉक्स पबजी में अभी तक मैंने नहीं देखी, आपने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और जो स्कोप के बारे में जो बात सुनी होगी आपने, कि 8x को आप 4x में बदल सकते हो, 6x को 3x में, लेकिन अभी आपको बता दूं कि पबजी में एक ऐसी भी र्यूमर उड़ा हुआ है कि 15x भी आने वाला है, तो होप करते हैं वो भी जल्दी से आ जाए। और जो मैप का साइज़ सुना होगा 8x8 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसके अंदर जो लूट के बारे में आपने नहीं सुना होगा, इरेंगल के अंदर आपको लूट मीरामार से कम देखने को मिलती है, लेकिन दोनों मैप एक जितने इक्वल होते हैं 8x8 किलोमीटर के, लेकिन आपको जो मीरामार के अंदर जो लूट और रेशियो है वो काफ़ी आपको अलग देखने के लिए मिलता है, इसलिए मीरामार आपको बड़ा लगता है। और जो विनर विनर चिकन डिनर का जो थॉट था वो आया था एक लास वेगस के एक गैम्बलर की तरफ से, जो कि एक मूवी के अंदर 1921 के अंदर यूज़ किया गया था, तो इसीलिए इसको विनर विनर चिकन डिनर जो मैच के ख़त्म होने के बाद आप सभी करते हो। और जो लेवल 3 का हेलमेट है उसकी बात करते हैं, तो वो आपको कि लेवल 3 के हेलमेट में अगर आपको कार 98K से कोई शॉट लेता है या M24 से, तो आप डायरेक्टली नॉक नहीं होते, लेकिन जब कोई आप पे सीधा AWM से शॉट लेता है तो आप डायरेक्टली नॉक हो जाते हो और लेवल 3 का टोपा उड़ जाता है आपका। और जो पबजी के बैन को लेकर बात करते हैं, तो पबजी ने आज तक काफ़ी सारे लोगों को बैन कर चुका है, लगभग 10 मिलियंस के लिए, जो कि हैकिंग और GFX और जो चीटिंग करते टाइम पकड़े गए हैं। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप हैक यूज़ मत कीजिए, और अगर आप पबजी खेलते हो और कितने टाइम खेलते हो और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता थे, तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर से बता देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ। और कितने घंटे आप पबजी खेलते हो ज़रूर से वो कमेंट में आ जाना चाहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये फैक्ट आप नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।